बेटी की शादी करना हर माँ बाप का सपना होता है और वह इसको लेकर एक अच्छे घराने के दूल्हे की तलाश करते हैं। तो वही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लेकिन यह माँ बाप मरा हुआ दूल्हा ढूंढ रहे हैं, यानी कि जो लड़का मर चुका हो उसी से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। आखिर यह माँ बाप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इस खबर के पीछे क्या है पूरी सच्चाई, इससे जुड़ी हर जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। क्या आपने कभी भूत प्रेत की शादी देखी है या फिर उसके लिए वर की तलाश की बात सुनी है? भारत में एक भूतनी की शादी कराने के लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। बकायदा इसके लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि वर का भी भूत होना अनिवार्य है। दरअसल यह मामला कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले का है, जहाँ अखबार में शादी का एक विज्ञापन छपा हुआ है। अखबार में प्रकाशित शादी का यह विज्ञापन चर्चा का विषय हुआ है, क्योंकि इसे 3 दशक पहले मर चुकी लड़की के लिए सुयोग्य दूल्हा के लिए प्रकाशित किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह विचित्र विज्ञापन दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित पुत्तूर के एक परिवार ने दिया है, जिसका मानना है कि उनकी दिवंगत बेटी की शादी नहीं होने की वजह से परिवार पर संकटों का पहाड़ टूट रहा है। परिवार के मुताबिक करीब 30 साल पहले नवजात बच्चे की मौत हो गई थी और तब से ही परिवार को अप्रत्याशित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परेशान परिवार ने जब गाँव के बड़े बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि दिवंगत बेटी की भटक रही आत्मा ही इसका कारण, इसलिए परिवार ने अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए उसका विवाह कराने का फैसला किया है और इसके लिए वर तलाश रहे हैं। परिवार ने 30 साल पहले मर चुकी लड़की के लिए वर खोजने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर में दिए गए विज्ञापन में कहा गया है, 30 साल पहले मर चुकी दुल्हन के लिए 30 साल पहले मर चुके दूल्हे की तलाश है। कृपया प्रेत मुदुआ यानी प्रेतों का विवाह के लिए संबंधित नंबरों पर संपर्क करें। मृतका के माता पिता तमाम कोशिश के बावजूद उसे उम्र और जाति के एवं उतने समय पहले ही दिवंगत हुए वर की तलाश पूरी नहीं होने से दुखी है। मृत व्यक्ति की अपारंपरिक शादी की परंपरा तुलुनाडु क्षेत्र में प्रचलित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक और केरल के कासरगोड जिले के हिस्से आते हैं, जहाँ पर स्थानीय बोली तुलु बोली जाती है। इस क्षेत्र में मृतकों की शादियों का भावनात्मक महत्व है। तुलुआ लोक संस्कृति के जानकारों के मुताबिक दिवंगत आत्मा का परिवार से जुड़ाव बना रहता है और वे खुशी एवं गम साझा करते हैं। फिलहाल इस परिवार को मृतक बेटी के लिए वर नहीं मिल पाया है और वह लगातार इसकी तलाश में है। अखबार में विज्ञापन में परिवार ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, जिस पर उससे संपर्क किया जा सकता है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं? कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं? आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं? कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं? तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में इसी डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन बड़ा बाजार कटिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 0664-2425-73-9297709।